वेलकम एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बैट की नस्ल देखेंगे, शुरुआत की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट मारवाड़ी बैट के बारे में देखें। मारवाड़ी बैट का मूल स्थल वो जोधपुर, नागौर और पाली जिला माना जाता है। और बैट की एक क्या है, तिरकाजी नस्ल है। तिरकाजी नस्ल मतलब दूध और ऊन और मांस के लिए पाली जाने वाली बेट कौन सी है, मारवाड़ी है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी किस बेट में सर्वाधिक पाई जाती है, या रोगों से लड़ने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाने वाली बेट है वो मारवाड़ी है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और लंबी दूरी तय करने वाली भी प्रसिद्ध नस्ल है वो मारवाड़ी है। लंबी दूरी तय करने वाली प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है, मारवाड़ी है। इसके ऊन को यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी किस बैट की बैट के ऊन को यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है, या मारवाड़ी बैट की नस्ल के ऊन को जोरिया के नाम से यूरोपीय देशों में जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेरी बैट। जैसलमेरी बैट का मूल स्थान जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिला माना गया है। और ये इसकी नाक रोमन राजौता दिखावट जैसी होती है। हमने एक जमुनापुरी बकरी भी देखी थी जिसकी नाक रोमन औरतौता दिखावट जैसी होती है। और वे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और नेक्स्ट, राजस्थान में बैट की सबसे ऊंची नस्ल है वो कौन सी है। राजस्थान में बैट की सबसे ऊंची नस्ल भी जैसलमेरी बैट है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भी नस्ल जैसलमेरी है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन वो किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है, जैसलमेरी बैट से सर्वाधिक ऊन उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाली भी नस्ल जैसलमेरी है। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, ये जैसलमेरी है। और 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है नस्ल। यानी 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकने वाली बैट की कौन सी नस्ल है, जैसलमेरी है। नेक्स्ट, चोकला बैट। इस यहाँ से तो चोकला बैट से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सुपरवाइजर का हो जी, पशुधन सहायक का हो, ऐसे ही आपके पशु परिचर में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। चोकला बैट का मूल स्थान शेखावटी क्षेत्र यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना मूल स्थान इसका। उसका उपनाम से हम इसे राजस्थान में भारत की मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान में भारत की मेरिनो किस बैट को कहा जाता है, चोकला बैट को राजस्थान भारत की मेरिनो कहा जाता है। और यही क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट भी हो चुका है। और इसे छाबरा या शेखावटी भी कहा जाता है। यानी राजस्थान भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहा गया है, ये चोकला बैट को है वो कहा गया है। इसके कारण वो नाली नुमा आकृति के होते हैं। इसके कारण कैसे होते हैं, नाली नुमा आकृति के होते हैं। इसकी ऊन में सर्वश्रेष्ठ गलीचे बनाए जाते हैं। यानी किस बैट की ऊन से सर्वश्रेष्ठ गलीचे बनाए जा सकते हैं, ये चोकला बैट की ऊन से सर्वश्रेष्ठ गलीचे बनाए जा सकते हैं। इसका ऊन उत्पादन वो 1.5 से 2.5 kg इसका ऊन उत्पादन है वो रहता है। नेक्स्ट, मालपुरा बैट का मूल स्थान मालपुरा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर माना गया है। और ये भी ऊन से गलीचे बनाए जाने के लिए प्रसिद्ध है, मालपुरा और चोकला दोनों ही। इसका ऊन उत्पादन 1 से 1.5 kg रहता है। नेक्स्ट, सोनाड़ी बैट का मूल स्थान उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोनाड़ी नस्ल का मूल स्थान कहाँ से है, इसका संबंध किस जिले से है। नेक्स्ट, इसमें तो उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से है सर्वाधिक पाई जाती है। और इसमें ऑप्शन उदयपुर ही आता है या चित्तौड़गढ़ पाया जाता है, इसे ध्यान रखें। सोनाड़ी नस्ल राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ये उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इसका उपनाम इसे चुनौथर के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस बैट को चुनौथर के नाम से जाना जाता है, सोनाड़ी बैट को चुनौथर के नाम से भी जाना जाता है। और संख्या के आधार पर राजस्थान की सेकेंड रैंक रखने वाली नस्ल है सोनाड़ी। और ये बैट की तिरकाजी नस्ल है, यानी मारवाड़ी नस्ल के साथ साथ सोनाड़ी नस्ल भी तिरकाजी नस्ल है, जो दूध व मांस व ऊन उत्पादन के लिए
इस नस्ल को पाला जाता है। और भेड़ की रातें में सबसे भारी नस्ल भी सोनारी है। और भेड़ की रातें सबसे भारी नस्ल कौन सी है? यह सोनारी है। रातें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी है? सोनारी है। यहाँ से क्वेश्चन चोकला और सोनारी से लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक कोई छोटे से लेकर बड़ा कोई भी एग्जाम हो, इन दोनों का ध्यान रखें, चोकला और सोनारी को। नेक्स्ट अविस्तर भेड़। अविस्तर भेड़ केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान संस्था एविकल के टॉप के द्वारा इसका संकलन वो मेरिनो और चोकला के द्वारा संकलन करवाकर अविस्तर भेड़ प्राप्त हुई थी। और नेक्स्ट इसके सिंह, सॉरी इसके सिंह त्रिपलाकार के प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट एविकालीन नस्ल, इसके भी केंद्रीय भेड़ उन संस्था एविकल के टॉप के द्वारा ही संकलन मेरिनो और मालपुरा भेड़ से करवाया गया था। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।